दोस्तों अभी आप जिस राजकुमारी को लोहे की पैंटी पहनी हुई देख रहे हो इसका नाम राजकुमारी मरियम है। इसके पिता ने इसकी बेशकीमती खजाने को लूटने से बचाने के लिए इस तरीके का जुगाड़ किया है, क्योंकि इस देश के सेनापति से लेकर दूसरे पार्टियों के लोग भी राजकुमारी की लोहे की कच्ची उतारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आखिर में कौन उसकी लोहे की कच्ची उतार पाता है वो तो आपको वीडियो के आखिर में ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ सिपाहियों को कई सारे झोपड़ियों में आग लगाते हुए देखते हैं। इससे पूरे गाँव में हड़कंप मच जाती है और गाँव के सभी लोग वहाँ के महाराज को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। आगे हम जंगल में एमसी स्टैंड की तरह कुछ रैपर्स को देखते हैं जो हमें इस मूवी की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि इस देश का नाम इंग्लैंड है, जहां का राजा किंग रिचर्ड अभी वार के लिए देश से बाहर गए हुए हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर महाराज का छोटा भाई जोगेंद्र सत्ते पर बैठ गया है और वो और सेनापति मिलकर भोले भाले प्रजाओं के कंधे पर टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ा रहे हैं, जिससे दबकर प्रजाओं की आंतें बाहर आ रही है। लेकिन प्रिंस जोगेंद्र को एक आदमी रोक सकता है जिसको जेरूसलम देश के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। इसके बाद हम बब्बन बिल्लो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसको जेरूसलम देश के एक जेल में लाया जाता है। वहां पर कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा था। एक आदमी उसे जेल में स्वागत करता है और उसे जेल को दिखाने के लिए कर जाता है। वो उसे वहाँ पर बाकी सारे गुलामों को दिखाता है जिनकी हालत बहुत खराब और दाढ़ी बहुत ज्यादा थी। बब्बन बिल्लो दाढ़ी को सेव करके आया था इसलिए उसे नकली दाढ़ी लगा दिया जाता है। इसके बाद और एक दाढ़ी वाले आदमी उससे इंग्लैंड के महाराज किंग रिचर्ड के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, जिसमें बब्बन बिल्लो जब उसे कुछ भी नहीं बताता तब वो बब्बन बिल्लो के रबर के जीप को एक चमटी से पकड़ कर खींचता है और फिर उसे आसनीज नाम के गुलाम के साथ बांध दिया जाता है। यहाँ पर आसनीज उससे इतने सवाल जवाब पूछता है जैसे कि वो कोई गुलाम नहीं बल्कि किसी कंपनी का एचआर हो। उन दोनों को लोहे की जंजीर से बांधा गया था, लेकिन वो लोहे की जंजीर एक प्लास्टिक के पाइप से बंधा हुआ था जिसको वो दोनों अपने पैरों से ही बड़ी ही आसानी से तोड़ देते हैं। आवाज सुनकर तब तक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ पहुँचता है और उनसे पूछता है ये किस चीज की आवाज थी। आसनीज कहता है ये आवाज सरकार, ये आवाज तो इस बेचारे के दिल टूटने की आवाज थी। इधर ये बात सुनकर बब्बन बिल्लो भी उस गार्ड के सामने अपनी आंखें भर आने की ढोंग दिखाता है। आगे गार्ड के वहाँ से जाते ही वो दोनों भी सारे गुलामों को लेकर वहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं। अब क्योंकि आसनीज की मदद से ही बब्बन बिल्लो उस जेल से आजाद हो सका था इसलिए वो उससे कहता है दोस्त अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर याद कर लेना, मैं आंखें मूंद कर तुम्हारा पिछवाड़ा धोने के लिए भी तैयार रहूंगा। ये बात सुनते ही आसनीज की आंखें भर आती है और वो उसे अपने नालायक बेटे अच्छू के बारे में बताता है जो कई सालों पहले इंग्लैंड गया था पर अब तक वो वापस नहीं आया। साथ ही साथ वो उसे अपने नालायक बेटे अच्छू की एक टट्टी जैसी फोटो भी दिखाता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि बब्बन बिल्लो किसी नाव से नहीं बल्कि तैर कर ही जेरूसलम से इंग्लैंड के लिए निकल पड़ता है और कई महीने तैरने के बाद फाइनली वो इंग्लैंड आ पहुंचता है। वहां पर पहले वो अपनी धरती माँ की चुम्मी लेता है जिससे कुछ रेत के दाने उसके मुंह में चले जाते हैं। आगे वो एक जंगल में कुछ सिपाहियों को एक लड़के को घुसन पिलाते हुए देखता है। पास आने पर उसे पता चलता है कि वो पिटता हुआ लड़का और कोई नहीं बल्कि आसनीज का नालायक बेटा अच्छू है। बब्बन बिल्लो अच्छू को बचाने के लिए उन सिपाहियों के साथ अकेला ही लड़ पड़ता है और उन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठाकर फेंकता है। इसी बीच हम अच्छू के पैर में कैंपस कंपनी के जूते देखते हैं। अरे भाई साहब इस जमाने में कैंपस के जूते भी मिलते थे। खैर आगे बब्बन बिल्लो अच्छू को लेकर घोड़े के ऊपर बोझ बनकर अपने घर पहुंचता है जिसको बैंक के लोग उठाकर लेकर जा रहे थे। दरअसल उसने कई महीनों से अपना घर का लोन नहीं चुकाया था इसलिए बैंक वाले उसका घर लेकर जा रहे थे। अब घर तो वहां से चला जाता है लेकिन घर के अंदर मौजूद उसका अंधा नौकर जो कि बाथरूम में लैटरिंग कर रहा था उसे इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। बब्बन बिल्लो जब अपने नौकर को हकते हुए देखता है तब उसके पास जाकर वो उसे पुकारता है जिससे वो नौकर भी अपना पिछवाड़ा बिना धोए ही पैंट पहन लेता है। बब्बन बिल्लो उससे पूछता है सर्वेंट बताओ मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। सर्वेंट कहता है आपके पिताजी तो कब के चल बसे। बब्बन बिल्लो फिर से पूछता है तो फिर मेरी माताजी। सर्वेंट कहता है हाँ उनका भी तो पत्ता कट चुका है, आपके भाई बहन यहाँ तक कि आपके कुत्ते से लेकर रेडफिश भी मर चुके हैं। ये बात सुनकर बब्बन बिल्लो पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी वो सर्वेंट उसे उसके बाप का आखिरी निशानी देता है और कहता है आपके पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि इसके अंदर दुनिया के सबसे कीमती खजाने की चाबी है और उन्होंने आपको ये देने को कहा था। अब वो तीनों जब वहाँ पर वार्तालाप कर रहे थे तभी वहाँ पर एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पीछे सेनापति अपने साथियों के साथ आ रहा था। यहाँ पर बब्बन बिल्लो सेनापति के साथ भिड़ जाता है और उसे बहुत बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। आगे हम किंग रिचर्ड की बेटी राजकुमारी मरियम को देखते हैं जो गाना गाते गाते एक बाथटब में नहा रही थी। दरअसल महाराज ने उसकी बेशकीमती खजाने को लूटने से बचाने के लिए उसे बचपन में ही एक लोहे की पैंटी पहना दिया था जिसकी चाबी मरियम जब छोटी थी तभी गुम हो गई थी। इसीलिए मरियम अपने सच्चे प्यार यानी उस आदमी के तलाश में थी जो उसके लोहे की पैंटी और उसके दिल के दरवाजे को खोल सके। वहीं पर ही राजमहल में हम प्रिंस जॉन को देखते हैं जिसके पास सेनापति आकर कहता है महाराज मेरे पास एक खबर है। प्रिंस जॉन कहते हैं क्या खबर, अच्छा या बुरा, जिसमें सेनापति कहता है महाराज बुरा। अब बुरे खबर का नाम सुनते ही प्रिंस जॉन उसे उस बुरे खबर को अच्छी तरीके से कहने के लिए कहता है ताकि बुरा खबर भी उसके मुंह से अच्छी तरीके से निकल कर अच्छा हो जाए। इसीलिए सेनापति हंसते हंसते कहता है महाराज आज मैंने बब्बन बिल्लो को देखा जो इंग्लैंड में वापस आ चुका है और उसने मुझे और आपको बहुत बुरा भला कहा और मुझे तो इस बात का डर है कि वो आपकी लेने के लिए आज नहीं तो कल जरूर महल आ पहुंचेगा। ये बात सुनकर तो प्रिंस जॉन के पसीने पसीने हो जाते हैं और वो उससे कहता है पनौती इतना बुरा खबर को भी हंसकर दे रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। आगे प्रिंस जॉन 250 साल पुरानी एक चुलबुली चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कैसे बब्बन बिल्लो से बच सकता है, जिसमें वो 250 साल पुरानी चुलबुली चुड़ैल पहले तो एक पैन में अंडा फोड़कर उसमें सरसों का तेल डालकर ऑमलेट बनाती है और फिर महाराज को ऑमलेट खाने के लिए देकर कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है लेकिन इसके बदले में महाराज को सेनापति के साथ उसका टाका भिड़ाना होगा क्योंकि वो सेनापति से बहुत प्यार करती है।
है, जो सुनकर महाराज कहते हैं, लेकिन सेनापति तुम जैसे क्रिएचर को नहीं अपनाएंगे, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ उसकी सेटिंग करवाने में मदद करूंगा। दूसरी तरफ हम बब्बन बिल्लो आचू और उसके अंधे नौकर को महल की तरफ आते हुए देखते हैं। रास्ते में एक छोटे से पुल के ऊपर उन्हें डॉन जवानी नाम का एक आदमी मिलता है, जो उनसे कुछ पैसे टोल मांगता है और कहता है कि इस ब्रिज से गुजरने के लिए तुम्हें टोल टैक्स देना होगा। बब्बन बिल्लो उसे पैसे देने के लिए इनकार कर देता है और उन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। वो दोनों जिस बरगद के पेड़ के लकड़ी से लड़ाई कर रहे थे, वो लकड़ी टूट जाती है और छोटे छोटे लकड़ी से ही उन दोनों को अपना काम चलाना पड़ता है। इसी बीच बब्बन बिल्लो डॉन जवानी को मारकर एक छोटे से नाले में गिरा देता है। डॉन जवानी को नाले के पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो कहता है, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। जबकि उस नाले में ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर ही पानी बह रहा था। खैर, बब्बन बिल्लो उसकी जान बचाता है, इसलिए वो उसे शुक्रिया कहकर उसके साथ दोस्ती कर लेता है। तभी वहाँ पर डॉन जवानी का लंगोटिया दोस्त स्कारलेट आ पहुँचता है, जिसकी हाथ बहुत तेज चलती थी और वो पल भर में ही चलती हुई तीर को हवा में ही मिक्सर ग्राइंडर की तरह धूल में बदल देता था। यहाँ पर सभी लोग बब्बन बिल्लो की मदद करने का फैसला करते हैं और महल की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ महल में पार्टी चल रही थी, जिसमें राजकुमारी मैरियन भी मौजूद थी। इसी बीच वहाँ पर एक जंगली सुअर को कंधे में लादकर बब्बन बिल्लो की एंट्री होती है। बब्बन बिल्लो सीधा आकर खाने की टेबल में उस जंगली सुअर को पटक देता है और कहता है कि मैं आपके और सेनापति के लिए तोहफे के रूप में इस सुअर को लेकर आया हूँ। इसके बाद बब्बन बिल्लो प्रिंस जॉन को धमका कर कहता है कि अगर उसने प्रजा से जोर जबरदस्ती टैक्स वसूल करना बंद नहीं किया तो वो एक दूसरा पार्टी बनाकर उसे राजगद्दी से हटवा देगा और सभी प्रजा तो उसके साथ है ही। जिसके बाद सेनापति और सभी सेना उसे घेर लेते हैं और बब्बन बिल्लो अकेला ही उन सभी के साथ लड़ पड़ता है और भर भर के अपनी बेइज्जती करवाता है। तब तक वहाँ पर बब्बन बिल्लो के साथी भी आ पहुँचते हैं, जिसमें बब्बन बिल्लो का वो अंधा नौकर भी मौजूद था। वो सभी राजा के सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं और दूध पीते पीते उन्हें मार गिराते हैं। इसी बीच हम बब्बन बिल्लो के अंधे नौकर को देखते हैं, जो एक खंभे को सिपाही समझकर उससे लड़ता जा रहा था। इसके बाद बब्बन बिल्लो राजकुमारी मरियन को एक फ्लाइंग किस देकर अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल लेता है। आगे रात को वो लोग गाँव के सभी पीड़ित लोगों को बुलाकर उन्हें उनका साथ देने के लिए कहता है। बब्बन बिल्लो यहाँ पर मोटिवेशन स्पीच देता है, जिससे सभी लोग मोटिवेट होने के बजाय सो जाते हैं। तब बाकी का काम अच्छू संभालता है और वो हिटलर की तरह ऐसे भाषण देता है, जिससे सभी के अंदर जोश और जुनून भर जाता है। आगे उन सभी पीड़ित लोगों को टोपी, जैकेट, बनियान और तलवार से लेकर ब्रांडेड पैंट दिया जाता है। फिर उन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। इधर सेनापति भी बब्बन बिल्लो से लड़ने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार कर रहा था। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन के पास जाकर बब्बन बिल्लो से लड़ने के लिए उससे मदद मांगता है, जिसमें वो अंडरवर्ल्ड डॉन कहता है, सेनापति कल तुम एक तीरंदाज कंपटीशन रखो जिसमें बब्बन बिल्लो जरूर आएगा, उसमें तुम बब्बन बिल्लो को हरा देना, जिससे प्रजा उसे धिक्कारने लगेंगे और तब मेरे आदमी उसे मार गिराएंगे। सेनापति भी डॉन की बात मानकर अगले ही दिन तीरंदाज कंपटीशन रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ राजकुमारी मरियन ये सब कुछ सुन लेती है और क्योंकि वो बब्बन बिल्लो से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो अपनी नौकरानी ब्रूमहिल्डा के साथ बब्बन बिल्लो को ये खबर देने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम बब्बन बिल्लो और उसके साथियों को देखते हैं, जो जंगल के गहराइयों में रात के अंधेरे में उछल कूद कर रहे थे। तभी वहाँ पर राजकुमारी मरियन ब्रूमहिल्डा के साथ आ पहुँचती है। राजकुमारी को यहाँ पर घोड़े से बब्बन बिल्लो उतारता है और वही ब्रूमहिल्डा को उतारने के लिए डॉन जवानी जाता है। अब क्योंकि ब्रूमहिल्डा दो तीन औरतों के बराबर थी, इसलिए डॉन जवानी उसे लेकर ही गिर जाता है। खैर, राजकुमारी मरियन बब्बन बिल्लो से कहती है कि सेनापति कल तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए कल तुम भूलकर भी महल के आजू बाजू में मत मंडराना। इसके बाद बब्बन बिल्लो उसके लिए गाना गाता है और वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से सभी लोग उन दोनों को मजे करते हुए देखकर मजे लेते हैं। इसी बीच वो लोग देखते हैं कि बब्बन बिल्लो का कुछ चीज खड़ा हो रहा था, जिसको देखकर वो सभी लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन पर्दे के उतरते ही हम देखते हैं कि वो बस बब्बन बिल्लो का तलवार था। इसके बाद बब्बन बिल्लो उसकी चुम्मी लेने के लिए जाता है। तभी राजकुमारी मरियन उससे कहती है कि वो उसकी चुम्मी लेने के अलावा उसके साथ और कुछ भी नहीं कर सकता और वो उसी आदमी के साथ शादी करेगी जिसके पास उसके दिल की और उसके लोहे की पैंटी की चाबी होगी। तभी वहाँ पर राजकुमारी की नौकरानी ब्रूमहिल्डा आकर उसे अपने साथ लेकर जाती है। अगले दिन महल में तीरंदाज कॉम्पिटिशन शुरू होता है, जिसमें बब्बन बिल्लो और उसके सभी साथी भेस बदल कर आ पहुँचते हैं। जिसके बाद प्रिंस जॉन के दोनों कानों में भोपू बजाकर तीरंदाज कॉन्टेस्ट को शुरू किया जाता है। पहले राउंड में सभी लोग एक साथ तीर चलाते हैं और दो लोग ही आगे के कॉम्पिटिशन में जाते हैं, जिसमें एक बुढ़ा था। यहाँ पर वो बुढ़ा पहले बहुत अच्छा निशाना लगाता है, तब हमें पता चलता है कि वो कोई बुढ़ा नहीं बल्कि बब्बन बिल्लो है। इसके बाद वो दूसरा कंटेस्टेंट भी अपने तीर को चलाता है और वो बब्बन बिल्लो से भी अच्छा निशाना लगाता है, जिससे सभी लोग उसकी जय जयकार करके उसे गोदी में उठा लेते हैं। बब्बन बिल्लो तब मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ता है और तब उसे पता चलता है कि स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ है कि उसे और एक मौका मिलना चाहिए था। इधर प्रिंस जॉन और सेनापति भी स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से बब्बन बिल्लो को और एक मौका मिलेगा। इस पर बब्बन बिल्लो जब तीर को चलाता है, तभी वो दूसरा कंटेस्टेंट उसे खोचा मारता है, जिससे उसका बेचूक निशाना ऊपर की दिशा में जाने लगता है। हम देखते हैं कि उसका तीर आगे जाकर यूटर्न लेकर दर्शकों के बीच से होकर बोर्ड में जाकर लगता है और इस तरीके से वो इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। अब जीतने पर उसे इनाम देने के बजाय सेनापति उसे पकड़ लेता है और महाराज उसे फांसी देने का सजा सुनाते हैं। राजकुमारी मरियन बब्बन बिल्लो से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो किंग जॉन से कहती है कि वो जैसे बब्बन बिल्लो को छोड़ दे और इसके बदले में वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। किंग जॉन राजकुमारी मरियन के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए वो बब्बन बिल्लो के फांसी की सजा को तब तक के लिए पेंडिंग रखता है जब तक कि न उसकी शादी राजकुमारी मरियन के साथ हो नहीं जाता। अगले दिन उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पर मंडप में बब्बन बिल्लो के गले में रस्सी डालकर रखा गया था ताकि राजकुमारी मरियन अपने बात से मुकर ना सके। वहाँ पर जो पादरी उन दोनों की शादी करवा रहा था, वो उन दोनों के सामने अपने मंत्रों का उच्चारण करता है और कहता है, बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉल। यहाँ पर इससे पहले कि वो पादरी बाकी के मंत्रों को उच्चारण करते, तभी वहाँ पर आचो
चोर उसके साथी आकर बब्बन बिल्लो को आजाद कर देता है। इसके बाद वहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में जंग छिड़ जाती है और बब्बन बिल्लो और उसके साथी मिलकर सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं। इधर सेनापति राजकुमारी की वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। वो उसके कपड़े फाड़ कर उसकी पैंटी उतारने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि राजकुमारी तो लोहे की पैंटी पहनी हुई थी, इसीलिए वो एक ड्रिल मशीन लाकर उसकी पैंटी को तोड़ने लगता है। तब तक वहाँ पर बब्बन बिल्लो आकर सेनापति के साथ लड़ पड़ता है और उसे बहुत ही आसानी से हराने लगता है। इसी बीच सेनापति उसके गले से उस चेन को तोड़ देता है जो कि बब्बन बिल्लो के बाप का विरासत था। वो लॉकेट दीवार से टकराकर टूट जाता है और उसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो सीधा जाकर राजकुमारी मरियम के लोहे के पैंटी में जाकर घुस जाता है। इससे हमें पता चलता है कि बब्बन बिल्लो के पिता ने बब्बन बिल्लो के लिए यह बेशकीमती खजाना छोड़कर गया था। इधर सेनापति के साथ बब्बन बिल्लो की लड़ाई जारी थी और बब्बन बिल्लो उसे एक जोर का घुसन पिलाता है और फिर उसे जान से मार डालता है। तब तक वहाँ पर वो 250 साल पुरानी चुलबुली चुड़ैल भी आ पहुँचती है और सेनापति को मरते हुए देखकर उसकी आंखें भर आती है। उसके पास एक मैजिकल टैबलेट थी जिससे वो सेनापति को बचा सकती थी, इसीलिए वो सेनापति के साथ एक सौदा करती है कि अगर सेनापति उसके साथ शादी करेगा तब उसे वो टैबलेट देगी। सेनापति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक आ रही थी, इसीलिए वो उस चुलबुली चुड़ैल को हाँ कहता है और फिर टैबलेट को खाते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद चुलबुली चुड़ैल उसे घसीटकर उसके साथ शादी करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। और इधर बब्बन बिल्लो राजकुमारी मरियम को बिस्तर पर लेटाकर उसकी लोहे की पैंटी उतारने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी की नौकरानी ब्रूमहिल्डा आकर राजकुमारी को ये करने से मना करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बब्बन बिल्लो राजकुमारी को लेकर एक पादरी के पास जाता है और उससे शादी करने लगता है। तब तक वहाँ पर किंग रिचर्ड भी युद्ध से वापस आ जाते हैं और वो उन दोनों की शादी से पूरी तरीके से सहमत हो जाते हैं। यहाँ पर बब्बन बिल्लो की बहादुरी को सुनकर वो उसे नया सेनापति बना देते हैं, जिसके बाद बब्बन बिल्लो राजकुमारी मरियम के साथ शादी करके खुशी खुशी हनीमून मनाने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।